मौलाना फजल रहमान पर वाजे कर चुके हैं कि बानी की हतमी हिदायत तक वोट नहीं दे सकते। इस वक्त तक हमारा किसी चीज़ पर इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन हमने अभी ना भी नहीं की। बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि बानी ने मुलाकात में कहा कि मामला संजीदा है, इसलिए हम मौलाना से बातचीत जारी रखेंगे। उम्मीद है कि JUI सरबराह हमारे साथ रहेंगे। बानी के साथ मुशावरत मुकम्मल नहीं हो सकी, पीर को फिर मिलेंगे। बोले हमारे दो सेनेटर्स हुकूमत के पास हैं, उनको रिहा किया जाए। मशावरत हमने खान साहब के साथ की इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे। खान साहब ने यह ख्वाहिश जाहिर किया कि बड़ा सीरियस मैटर है, हम इसलिए इस पे मजीद एंगेजमेंट मौलाना साहब के साथ जारी रखेंगे। मौलाना साहब को हमने वाजे तौर पर किया है कि जब तक खान साहब की फाइनल हिदायत हमारे पास नहीं आती, हम इस पोजीशन में नहीं होंगे कि हम इस पे वोट कर सके। मौलाना साहब हमारे साथ, हमने ये कमिटमेंट किया था कि हम दोनों मिल करके जो लेजिस्लेशन आएगी हमें एक जसिस्टेंस वहाँ लेंगे और प्रोसीड करेंगे। हमारा इस वक्त किसी चीज़ पर इतफाक नहीं हुआ कि हमारे तरफ से अभी तक ना हमने नहीं किया है, और हम तो पहले से कहते चले आ रहे हैं कि इसमें जल्दी किस बात की है। हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला मौलाना साहब हमारे साथ रहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि मंडे वाले दिन खान साहब के साथ दोबारा मुलाकात